सजी धरती खुला वो आसमां। हो दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां। लौट चले हो अब लौट चले। ठीक सुना आपने, बोकारो जिले के वरिया समाज से ही मोहम्मद सुल्तान की अपने घर वापसी हुई है। मोहम्मद सुल्तान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मोहम्मद सुल्तान कई वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूर्व में भी वे बोकारो के लोगों की सेवा कर चुके हैं, बोकारो वासियों के सुख दुख का साथी रह चुके हैं। और एक बार फिर अब मोहम्मद सुल्तान की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है। मोहम्मद सुल्तान चाहे जिस भी राजनीतिक दल के सदस्य रहे हों या नहीं भी रहे हों, पर आम लोगों की समस्याओं के लिए उनका संघर्ष कभी शिथिल नहीं पड़ा। मोहम्मद सुल्तान ने हमेशा चास बोकारो की आम आवाम के साथ साथ पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है। मोहम्मद सुल्तान चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा JVM या TMC में रहे हो या रालोसपा में, आम जनों की सेवा को लेकर भले ही उनका दल बदलता रहा हो, पर जिस उद्देश्य के लिए वे राजनीति से जुड़े वह उद्देश्य कभी नहीं बदला। जन समस्याएं हो या फिर सामाजिक सद्भाव भाईचारा, गरीब मुफलिसों की मदद हो या फिर शिक्षा सुरक्षा का मसला, मोहम्मद सुल्तान ने ना कभी हाथ खड़ा किया ना कभी कदम पीछे खींचा। यहाँ तक कि जब वे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहे तब भी उन्होंने स्वयंसेवी संगठन या संस्था के जरिए या फिर व्यक्तिगत रूप से जन सरोकार के लिए हमेशा आवाज उठाई। मोहम्मद सुल्तान के इसी सोच की हमेशा कदर रही है और इसलिए राजनीतिक दलों में भी हमेशा उनका सम्मान रहा है। पिछले कुछ समय से मोहम्मद सुल्तान किसी राजनीतिक दल की बागडोर के बिना एक सामाजिक संगठन के माध्यम से चास बोकारो के हर तबके के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए काम कर रहे थे और अब वे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मोहम्मद सुल्तान के राजनीतिक कद का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोहम्मद सुल्तान की जब दोबारा वापसी हुई तो उन्हें भाजपा में जोड़ने के लिए न सिर्फ भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे बल्कि भाजपा के सदस्य और समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। यानी बोकारो की राजनीतिक सियासत का एक अनुभवी सियासतदान एक बार फिर भाजपा में वापस आ चुका है और अब मोहम्मद सुल्तान भारतीय जनता पार्टी के जरिए और अधिक सांगठनिक मजबूती के साथ आम लोगों की सेवा करेंगे। मोहम्मद सुल्तान के भारतीय जनता पार्टी में वापसी पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत जिले के भाजपाइयों ने खुशी जताई है, तो वहीं मोहम्मद सुल्तान ने भाजपा की सोच और सिद्धांत के प्रेरणा स्रोत मानकर सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता जताकर अपने इरादे भी जता दिए हैं। आइए इमरान।
डबल डबल कर दिया, बाद में कीजिएगा।